सोनीपत के गांव सिसाना में स्थित आयु फार्म नाम की डेयरी में उस समय सनसनी फैल गई जब मुख्यमंत्री उड़न दस्ते की टीम के साथ सीआईडी और फूड विभाग के कर्मचारी भी फैक्ट्री में पहुंचे और वहां पर चल रहे कामकाज का जायजा लिया। फूड सेफ्टी विभाग के अधिकारी मौके पर ही दूध और दूध को बनाने वाले उत्पादों के सैंपल लेने लगे। सीएम पिलाई के साथ साथ कई विभागों के कर्मचारी फैक्ट्री में चल रहे कार्यों की जांच कर रहे हैं। हालांकि इस दौरान टीम को कोई भी गड़बड़ी दिखाई नहीं दी, फिर भी शिकायत के आधार पर सभी उत्पादों के सैंपल लेकर जांच के लिए लैब भेज दिए गए हैं। खरखोदा टाउन के सिसाना गांव में आयु फार्म में ज्वाइंट संयुक्त टीम है सीएम फ्लाइंग स्क्वाड सीआईडी और फूड सेफ्टी टीम की। सैंपल लिए जा रहे हैं? जी हाँ। क्या क्या बनता है यहाँ पे? यहाँ पर मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स सभी के सैंपल लिए जा रहे हैं? जी हाँ। कोई शिकायत मिली क्या इसकी? गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई हो। हरियाणा मुख्यमंत्री उड़न दस्ते की टीम को काफी लंबे समय से सूचना मिल रही थी कि गांव सिसाना में आयु फार्म नाम से एक डेयरी उत्पाद की फैक्ट्री चल रही है जिसमें दूध और दूध से बनने वाले उत्पादों में मिलावट की जा रही है, जिसके चलते मुख्यमंत्री उड़न दस्ते की टीम फूड सेफ्टी विभाग के साथ जाँच के लिए पहुँच गयी। वहीं मुख्यमंत्री उड़न दस्ते की टीम ने बिजली विभाग, लेबर डिपार्टमेंट और प्रदूषण विभाग के अधिकारियों को भी मौके पर बुलाया ताकि सभी अपने अपने विभाग की तरफ जारी एनओसी और बाकी कागजात की जांच कर सकें। हमारे पोल्यूशन से रिलेटेड एक तो इन्होंने एक टन का बॉयलर लगा रखा है जो वुड फायर्ड है, और एक इन्होंने इनका जो टैंकर्स वगैरह आते हैं वो वॉशिंग करते हैं तो उससे पानी निकलता है, उसके लिए इन्होंने ट्रीटमेंट प्लांट लगा रखा है। तो हमने जो ट्रीटमेंट प्लांट से जो पानी ट्रीट करके एक तो जो अनट्रीटेड है जो अंदर से आ रहा है उसका सैंपल लिया है, एक वो ट्रीटमेंट के बाद का सैंपल लिया है। क्या लगता है प्राथमिक तौर पे क्या नजर आएगा? देखो जी, जो प्लांट लगा रखा है वो ठीक है, कोई केमिकल वगैरह यहाँ यूज होता नहीं है। एक्चुअल में डेयरी एंड डेयरी प्रोडक्ट्स है तो केमिकल यहाँ कोई यूज होता नहीं है। आज सभी विभागों की टीम यहाँ जाँच करने के लिए पहुँची। हाँ जी, इस पद पर तैनात। पीछे से हमारे पास भी फोन आया कि हम ऐसे ऐसे टीम यहाँ हमने रेड डाली है, तो उसके बाद फिर हम भी यहाँ आ गए। बता दें कि हरियाणा में चल रहे अवैध कार्यों पर रोक लगाने के लिए मुख्यमंत्री उड़न दस्ते की टीम लगातार छापेमार कार्रवाई कर रही है। बहरहाल फैक्ट्री में हर पहलू पर जांच की जा रही है। अब देखना होगा कि जब लिए गए सैंपल के नतीजे आएंगे तो सीएम फ्लाइंग क्या कार्रवाई अमल में लाती है। सोनीपत से सनी मलिक, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।